प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखो डब्बू, कैसा बना ये? बहुत मस्त है, मैंगो कलर का किया है। इसमें भी खाने का। Come on friends, come on। हमारे पास बहुत कम वक्त है डेकोरेशन के लिए। चलो चलो, fast fast। हाँ हाँ। ए टप्पू। अहो, मादा बच्चों की गलती है, लेकिन अब थोड़ा शांति से बात कीजिए। क्या हुआ बड़े मास्टर? फोन करके क्यों बुलाया? बात क्या है? अरे हाथी भाई, ये टप्पू पूरी सोसाइटी में अशांति फैलाने वाला है। कैसे? कैसे? अरे ये टप्पू गणपति बापा के मंडप पे इस बार डेकोरेशन के तौर पे 100 जिंदा चूहे मंगाने वाला है। 100 जिंदा चूहे? फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ए टप्पू, बाहर निकल। ए उसको बाहर बुला, पिंकू बाहर बाहर बुला उसको। सुनो सुनो फ्रेंड, बीड़े अंकल आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं। टप्पू अब डोंट वरी, चलो। चंपक चाचा जी, ओ चंपक चाचा जी, माझं डोकं फिरलंय माधी, तू शांत रहा। भिडे भाई, बापूजी नहीं है। बरं झालं। क्या हुआ? अरे दया भाभी। ए भिंडली मास्टर, नहीं आऊ, क्या हुआ? चाचा जी, आज तो सारी हदें पार कर दी है टप्पू ने, ये आपका टप्पू कब सुधरेगा? भिडे अंकल, टप्पू जब बिगड़ा ही नहीं तो सुधरेगा कहाँ से? टप्पू। अरे बाड़ा, ये बिल्कुल बरोबर नहीं है। माना कि चूहा गणपति बापा का वाहन है, इसलिए तुम गणेश उत्सव में जिंदा चूहे लाओगे? ये क्या बात हुई? जिंदा चूहे? हाँ, वो भी 100 सोसाइटी में, और वो भी एक नहीं 100। 100? अरे बाप रे, इतने सारे चूहे सोसाइटी में आएंगे तो सोसाइटी हिल जाएगी। नहीं बनी, कैंसल कैंसल। हाँ सही बात है। एक बात बताओ, माता जी की सवारी शेर है तो क्या तुम नवरात्रि में जिंदा शेर लेके आओगे सोसाइटी में? वो भी शो? गुड आइडिया आती अंकल। ओके, ये मजाक का वक्त नहीं है। भिड़े भाई, क्या हुआ? हुआ क्या? दया भाभी, आपका लाडला टप्पू गणेश उत्सव में डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पे 100 जिंदा चूहे लाना चाहता है। क्या 100 जिंदा चूहे? टप्पू कहाँ से मिलेंगे बेटा? अरे दया भाभी, क्या बोल रही है आप? 100 चूहे कहाँ से मिलेंगे वो टेंशन नहीं है, 100 चूहे गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे वो टेंशन है। हमारा घर तो ग्राउंड फ्लोर पर है। हाँ। अरे अंजलि भाभी, ये चूहे है चूहे, क्या ग्राउंड फ्लोर और क्या फोर्थ फ्लोर, ये कहीं भी जा सकते हैं। पाइप से सिर्फ पानी नहीं चढ़ता, चूहे भी चढ़ जाते हैं। दया भाभी, अभी आप ही टप्पू को समझाइए। हाँ दया भाभी, समझाइए ना कुछ। ऐसे नहीं करते बेटा, आते वक्त रास्ते में चूहे कहीं भाग गए तो अब कहाँ ढूंढते फिरोगे? काय बोलता है थिया? कोई पहले इनको समझाओ। दया भाभी, अंजलि भाभी, ये बच्चे हैं, इनको जरा प्यार से ना बोलते हैं, टप्पू सेना का उत्साह कम ना हो जाए ना, इसलिए उनको जरा एड़े टेढ़े सवाल करके मैं उनको ना कह रही हूँ। बच्चों, तुम लोग जरा सोचो, सोसाइटी में 100 चूहे आएंगे तो कितना नुकसान होगा? अरे हाथी भाई, 100 क्या, नुकसान करने के लिए एक चूहा भी बहुत होता है। बात तो सही है। हमारे कपड़े, पर्दे, किताबें, कठिन है सगड़ो। अरे माधवी भाभी, सिर्फ कपड़े और किताबें नहीं, ये चूहे पैर भी कुतर जाते हैं। अगर किसी चूहे ने मेरा पैर कुतर दिया तो? अरे भाई, कुतरे हुए पैरों वाले के साथ कौन शादी करेगा? नहीं चाचा जी, डिब्बे उतर वाली।
अरे चूहे तो दुकान का सामान कुतर लेंगे, वही सामान आपको देना पड़ेगा। और चूहा में फैमिली प्लानिंग का अक्कर नहीं होता है, ये 100 का 1000 और 1000 का 1,00,000 कब हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, जल्दी हमारी सोसाइटी का नाम होगा गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। चूहा सोसाइटी नहीं बने, कैंसल कैंसल कैंसल, चूहों की थीम कैंसल। टप्पू सेना, माना के मैं तुम लोगों का फेवरेट अंकल हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा भाई। बगा बगा बगा, यहाँ पे हमें इतना टेंशन हो रहा है, ये टप्पू सेना हंस रही है। चाचा जी, अभी आप ही कुछ बोलिए। देखो टप्पू सेना जो भी कर रही है बराबर कर रही है, और इसलिए टप्पू सेना जो कुछ भी कर रही है उसमें मैं उनके साथ हूँ। मैंने कहा था ना चाचा जी टप्पू सेना का ही साथ देंगे। अभी चाचा जी क्या कह रहे हैं? चाचा जी ये आप क्या कह रहे हैं? अरे चाचा जी, ये तो वही बात हो गई ना कि डॉक्टर के पास पेशेंट इलाज कराने के लिए गया और डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज करने से मना कर दिया। कठिन है, सगळंच कठिन है। दया भाभी आप क्यों खड़ी, आप कुछ बोलिए ना। सॉरी भीड़ भाई, मैं भी बापूजी की बात से सहमत हूँ। क्या सब लोग ऐसे जिराफ की तरह गर्दन इधर उधर करके क्या देख रहे हो? अरे भाई टप्पू सेना तुम सबसे मजाक कर रही है। मजाक? और टप्पू सेना जो मजाक कर रही है उसमें मैं उनके साथ हूँ। टप्पू सेना, तुम लोग सच में मजाक कर रहे थे? हाँ। क्या? लेकिन दादाजी आपको पता कैसे चला कि हम लोग मजाक कर रहे थे? अरे टपूड़ा, मैं टप्पू सेना का सिर्फ दोस्त ही नहीं दादा भी हूँ, और पोता खुद अपने बारे में उतना नहीं जानता जितना उसका दादा उसके बारे में जानता है कि मेरा पोता क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मुझे पता था बापूजी जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, इसलिए मैं पहले से ही बापूजी की बात से सहमत हो गई थी। आया भाभी। टप्पू, तुम्हारे इस मजाक से सबको कितना टेंशन हुआ देखा तुमने? ये भीड़े अब्दुल मजाक भी नहीं समझते। हम समझ गए थे? कहाँ समझा था ये बुड़बक, पोपट भी चूहे से डर ही गया था ना। लेकिन टप्पू से ना, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, मेरे से भी मजाक। अब्दुल भाई, मजाक तो फ्रेंड के साथ ही होता है ना। वैसे एक बात बताओ टप्पू से ना, ये पर्दा लगा के अंदर तुम लोग क्या डेकोरेशन कर रहे हो? हाथी अंकल, वो डेकोरेशन हमारी सरप्राइज थीम है। ओहो, का है? नहीं नहीं नहीं, कोई सरप्राइज वगैरह नहीं, मुझे वो थीम देखनी है अभी। अरे नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती, सॉरी। बाबा ये हमारी सरप्राइज थीम है। अबू, तुम्हारा सरप्राइज हमेशा हम लोगों का बहुत भारी पड़ता है। हाँ। अय्यर अंकल, आप सभी को हमारी सरप्राइज टीम बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। नहीं भाई नहीं, मैं वो कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे वो थीम देखनी है, मतलब देखनी है। अरे 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 अरे, मेवा सेक्रेटरी साहब, टप्पू सेना इतने उत्साह से सरप्राइज थीम के लिए तैयारी कर रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके उत्साह को प्रोत्साहन दें। अरे तू शिक्षक है भाई, शिक्षक होकर दादागिरी करता है। टप्पू सेना कैरी ऑन, हमें तुम्हारी सरप्राइज थीम का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन टप्पू सेना तुम लोग के पास ये डेकोरेशन खत्म करने के लिए सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है, हा? क्योंकि कल सुबह हम लोग ठीक 7 बजे गणपति बापा को लेने जाने वाले हैं। ठीक है बीड़े अंकल। दया भाभी, जेठालाल को बोल देना कि समय पे कंपाउंड में आ जाए। अरे भिंडी मास्टर, तू चिंता मत कर, जेठा टाइम पे आ जाएगा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, चलो हमारे पास आज रात तक का वक्त है, चलो चलो। कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। पिंकू ध्यान से, अंदर नहीं आना चाहिए। सोला, सरप्राइज क्या है वो जरा देख। वो करेंगे ना।
5:30 बज गए। टप्पू के पापा जल्दी से उठिए, गणपति पापा को लेने के लिए जाना है। इनको सोने देती हूँ, पहले मैं नहा लेती हूँ। अरे टप्पू के पापा आप अभी तक सो रहे हैं? भीड़ भाई ने खास आपके लिए कहा था कि आप लेट मत होना। उठिए टप्पू के पापा। अफ्फा, टप्पू के पापा कहाँ चले गए? अच्छा मजाक, नाने चले गए। गुड बॉय। बो आई बापूजी। जी बापूजी। जेठिया तैयार हो गए? मम्मी पापा दादाजी, चलो जल्दी नीचे चलो, सब लोग आने लगे। हाँ बेटा। हाँ चलो। मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बेटा जरा नहा रहे हैं। जेठिया अभी तक नहा रहा है? ये जेठिया टाइम पे तैयार होने में कभी समझता ही नहीं है। मम्मी पापा सामने से मौका देते हैं भीड़ अंकल को बोलने के लिए। बहू जेठिया का बोल, जल्दी से तैयार हो जाए। जी बापूजी। हाँ। टप्पू के पापा जल्दी कीजिए, बापूजी और टप्पू तैयार हो गए हैं। टप्पू के पापा अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अंदर सो गए क्या? टप्पू के पापा बाथरूम में नहीं है? बापूजी टप्पू। हाँ हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? टप्पू के पापा बाथरूम में नहीं है। लगता है वो तैयार होकर नीचे चला गया। नहीं दादाजी, मैं नीचे से आ रहा हूँ, पापा नीचे नहीं है। बापूजी टप्पू के पापा कभी भी बताए बगैर कहीं नहीं जाते, कहाँ चले गए होंगे? लगता है जलेबी फाफड़ा खाने चला गया होगा। टप्पू जीटा को फोन लगा। हाँ। जल्दी दिखा जल्दी। दादाजी पापा का फोन तो बंद आ रहा है। जी बापूजी टप्पू के पापा का फोन बंद क्यों आ रहा है? कहाँ गए होंगे? बहू एक मिनट मुझे एक बात बता, तू जब सुबह उठी तब जेठिया उठ गया था कि सो रहा था? बापूजी मैं 5:30 बजे उठी तब मुझे लगा कि टप्पू के पापा सो रहे हैं, फिर जब मैं तैयार होकर आई और टप्पू के पापा को उठाने के लिए चादर हटाई तो टप्पू के पापा नहीं थे, तब भी मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नहाने चले गए होंगे, लेकिन अभी पता चल रहा है टप्पू के पापा बाथरूम में भी नहीं है, घर में भी कहीं नहीं है और टप्पू ने बताया कि सोसाइटी कंपाउंड में भी नहीं है। बापूजी टप्पू के पापा कहाँ गए होंगे? बापूजी चले ना हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। तू पहले शांत हो जा, तू 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 रोना बंद कर, पहले रोना बंद कर। मम्मी दादाजी पापा का लेटर। पढ़ पढ़ क्या लिखा है? दया सुबह 4 बजे मेरे दोस्त चेतन का फोन आया, हमारे दूसरे दोस्त ललित के पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, ICU में दाखिल करना पड़ा है, तो मैं चेतन के साथ सूरत जाने के लिए निकल रहा हूँ, किसी की नींद ना बिगड़े इसलिए जगाया नहीं, चिट्ठी लिखकर जा रहा हूँ, मोबाइल का सिग्नल ना मिले फोन ना लगे तो चिंता मत करना, मैं शायद रात को ही आ जाऊंगा, अगर ज्यादा रुकना पड़ा तो फोन करता हूँ, मेरी तरफ से गणपति पापा का स्वागत करना जेठा। क्या मम्मी तुम कितना टेंशन ले रही थी, पापा तो सूरत में है। हाँ बेटा। मम्मी मैं नीचे जा रहा हूँ, टप्पू सेना मेरी वेट कर रही होगी। ओके। हाँ बाबूजी टप्पू के पापा ने तो डरा ही दिया था। हाँ बहू, लेकिन बहू जेठिया को एक बात के लिए तो मानना पड़ेगा, व्यवहार में हमेशा आगे रहता है। बाबूजी मेरी माँ भी हमेशा कहती है किसी के अच्छे प्रसंग में जाए या ना जाए लेकिन बुरे वक्त में हमेशा पहुंच जाना चाहिए। हाँ। ये गणपति बापा
ललित भाई के पिताजी की तबीयत जल्दी से ठीक कर देना। चल वो सब लोग हमारे नीचे राह देख रहे होंगे, हम भी चलते। हाँ बाबू जी। चल तेरा घड़ी दिखाना, ये देखो इतना समय। ओ माननीय कमेटी मेंबर कहाँ हैं सब लोग? अरे वो तो आपको पता होगा ना सेक्रेटरी साहब। आएंगे आएंगे सब। अरे कब आएंगे? वो देखो। अरे भाई सोड़ी जल्दी आओ ना भाई। पिलू मैं तो वक्त से पहले आ गया यार। अरे लेकिन थोड़ा पहले आना चाहिए था। और पहले वो देखो हाथी भाई, देखो कैसे आराम से आ रहे। अरे भिड़े मास्टर, अरे भाई इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हम लोग गणपति बप्पा को लेने जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने थोड़े जा रहे हैं। अरे लेकिन मुहूर्त का समय बीता जा रहा है हाथी भाई, कोई भी काम ना वक्त से पहले हो जाना चाहिए। इस हिसाब से तो हमें कल रात को जाना चाहिए था। अरे भाई ढोल वाले भाई साहब। अरे मेहता साहब, आपके दोस्त जेठालाल का? वो मेरे दोस्त है, मैं उनका सेक्रेटरी नहीं हूँ तो पता करूँ कब आएंगे कब जाएंगे। ठीक है। अरे दया भाभी कहाँ है? ये देखो आ गई। अरे प्रसाद का इंतजाम तगड़ा होना चाहिए। प्रसाद भी मिलेगा और भरपूर मिलेगा। ए गोगिड़ा। अरे दया भाभी, जेठालाल नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई तो वो सुबह जल्दी जल्दी सूरत चला गया। दया भाभी जेठालाल को बोलना कि अगर कुछ काम हो तो बताए, हम भी सूरत चले जाएंगे। मेरा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। देखो आदमी नेगेटिव, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। क्या? नहीं नहीं, नाइस जेस्चर, हेल्पिंग नेचर पोपट लाला, वेरी गुड। थैंक यू बेटा। मैं जरा। हाँ दया भाभी, ओके। दया भाभी जेठालाल कहाँ है? मैंने बोला था ना आपको, उसको समय पाने के बोल देना। हाँ, भीड़ भाई पर क्या है, सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबियत बिगड़ गई तो वो सुबह सुबह जल्दी सूरत चला गया। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है। अरे भाई ये दया भाभी, जेठा भाई नहीं दिख रहे। वो सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबियत बिगड़ गई तो सुबह सुबह जल्दी वो सूरत चला गया। ओके बराबर। जयडलाल किधर है? अब तक सो रहा होगा नहीं? अरे दया भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। फिर भी जरा कहने दीजिए। सुनो सुनो गांव वाला, वो कोई गांव वाला लग जराएंगे। मैं सब लोगों को बता देना चाहती हूँ, सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी वो सूरत चले गए हैं। ओके चिल्ला के सबको क्यों बता रही है? हमें तो पता है ये चीज। क्या बात है? मेरे कहने का मतलब है जेठा भाई ने एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया है। सैल्यूट है उनको, दोस्त हो तो ऐसा। ये सही बात है। क्या बात है, सब जेठा अंकल के लिए ताली बजाओ। अभी हम लोग पापा को लेने चले, अभी समय हो गया है। गणपति बप्पा मोरिया। तो एक दंत गजानन गणपति गणेश विघ्नहर्ता, गणपति जी का आगमन गोकुल धाम सोसाइटी में हो ही गया। बड़ी शान के साथ गणपति जी पधारे गोकुल धाम में और ईश्वर से गणपति गणेश से यही प्रार्थना है कि सिर्फ गोकुल धाम के ही नहीं सारी दुनिया के विघ्न दूर करें, हमें महंगाई और गरीबी से निजात दिलाए। वैसे ईश्वर हम सभी को मौके देता है जीवन में, एक बार मौका जरूर देता है सुखी होने का, लेकिन ये हम पे निर्भर करता है, हमारी बुद्धि पे निर्भर करता है कि हम उस मौके को सुख में तब्दील करते हैं या दुख में। ऐसा ही एक मौका लेके कांजी भाई गोकुल धाम में आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कांजी भाई कौन है, कौन सा मौका लेके आ रहे हैं, क्या करेंगे, कितने हंगामे होंगे? भाई ये जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, ये सब जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए और हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।